यूनान नुमाइंदा दिन न्यूज खुशा के बाद रुक करते हैं दीपालपुर का, जहां पर एसएचओ हुजरा शाह मुकीम के खिलाफ जिंसी तशद्दुद इल्जामात का ड्रॉप सीन। लड़की सबा ने जो है अपनी रिहायश गाह में दरिंदगी का निशाना बनाने वाले जो है इल्जामात ऐसे आयद किए हैं। जी हाँ, सबा सूरत ने मौकफ इख्तियार किया है कि एसएचओ हुजरा शाह मुकीम इस पर रात भर जिस्मानी और जिंसी तशद्दुद करता रहा। पुलिस ने मौकफ अपनाया है। हम तफसीलात हासिल करेंगे। राव मुश्ताक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। राव मुश्ताक, तफसीलात फराहम करें। दिनों दीपालपुर के नवाही थाना हुजरा शाह मुकीम में एक संगीन वाकया की बाबत सबा सूरत नामी लड़की ने इल्जाम आयद किया कि एसएचओ थाना हुजरा शाह मुकीम अंजुम ज़िया 13 रोज का पुलिस से सरकारी रहायशगाह पर जिस्मानी व जिंसी तशद्दुद का निशाना बनाता रहा, जिस पर डीपीओ काड़ा उमर सईद मलिक ने अंजुम ज़िया के खिलाफ लड़की की मुतय्यत में न सिर्फ मुकदमा दर्ज करवा दिया बल्कि ऑफिसर अंजुम ज़िया को नौकरी से भी बरतरफ कर दिया गया। दूसरी तरफ इस संगीन वाकया का ड्रामाई अंदाज में टॉप सीन दीपालपुर की अदालत में इस वक्त हो गया जब मुतासरा जाहिर की कि लड़की ने अपने साथी साथ ज्यादती के वाकया को माफिया की मनसूबा बंदी करार दे दिया और बेबुनियाद करार देकर मुश्ताक आपका। We'll be right back.